हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। आज रीडिंग लेकर आई हूँ अक्टूबर मंथ के लिए, विर्गो के लिए, कि विर्गो की लाइफ में अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और सबसे पहले जो ब्लेसिंग चेक करूँगी वो करूँगी मनी वाइज, कैरियर से, अबंडेंस से लेकर। तो देखते हैं कि विर्गो की लाइफ में अक्टूबर मंथ में मनी, कैरियर और फाइनेंसेस में क्या ग्रोथ आने वाली है। थैंक यू डिवाइन, बताएं। थैंक यू मेरे जो भी विर्गो व्यूअर्स हैं, इनके लिए मनी और फाइनेंसेस में, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में क्या ग्रोथ आने वाली है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू विर्गो के लिए कैरियर में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, पास्ट में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है मनी में ग्रोथ लाने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे फंडे ट्राई किए हैं जिससे कि जल्द से जल्द मनी ग्रोथ कर सके, लेकिन लक कह लें या फिर कुछ ऐसा कि कुछ ऐसे सरगम चांसेस बन जाते थे जहां आपको हताश होकर बैठना पड़ा कि आपने जिस भी क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश की वहाँ पर आपको असफलता हाथ लगी। लेकिन अब अक्टूबर मंथ में आप इस चीज़ से निकल रहे हैं और जिन लोगों ने आपको डिफीट किया, या यूँ कहें कि जिन लोगों ने आपको चीट किया, उनके लिए एक सबक आने वाला है। आपका लक चेंज होने वाला है 360 डिग्री पर और आप को वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपका शायद गॉड से फेथ उठ चुका था चीज़ों को लेकर, कि आपने सोच लिया कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जो भी काम करने की सोचते हैं उसमें कुछ ना कुछ पनौती ज़रूर लगती है, लेकिन अब आपका टाइम चेंज होने वाला है, लक आपके फेवर में है। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत अधिक सफलता मिलेगी आपको। एक मुझे बात याद आई है इससे, कि दो किसान थे, उन्होंने एक किसान ने आम का बीज बोया था और एक ने बैम्बू का। तो वो किसान बड़ा परेशान हो गया था जिसने बैम्बू का बीज बोया था, क्योंकि वो प्रतिदिन पानी डालता था बट बैम्बू का बीज ग्रो नहीं हो रहा था। और जिसने आम का पेड़ लगाया था, एक साल में उसका पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन बैम्बू ट्री जब निकला, जब वो ग्रो किया, तो वो इतनी तेज़ी से ग्रो किया कि उसने अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों को पीछे छोड़ दिया। और इतना ग्रो हुआ फास्ट और जल्दी से ग्रोथ करने के बाद उसके ओनर ने उसको अच्छे दामों पे बेचा। तो फंडा यही है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वक्त लग रहा हो, आपने जो बीज बोए हों वो अभी टाइम ले रहे हों, नहीं आपको ग्रोथ दिख रही हो, लेकिन ये बिलीव रखिए कि आप जब भी ये ग्रोथ करेंगे तो इतनी फास्ट करेंगे कि लोग देखने वाले चौंक जाएंगे आपकी सफलता से, आपकी सक्सेस से। तो धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सोच के बैठे हैं, उन पे भरोसा रखिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है। बल्कि ये मंथ अक्टूबर का ही है और इसी मंथ से आपके लिए ब्लेसिंग्स शुरू हो चुकी हैं, गॉड में फेथ रखिए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे विर्गो राशि के व्यूअर्स के लिए लव में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लव में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।
थैंक यू। सन कार्ड एक मेजर अरकाना है और ये बड़ी ग्रोथ को बताता है लाइफ में, एक बड़ा अचीवमेंट आने वाला है, और कुछ लोगों को बहुत फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिलने वाली है। दूसरी कुछ लेडी हैं जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, जो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके लिए एक खुशखबरी है कि वो जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगी। आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। और जिन लोगों की लव लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। उनकी लाइफ में एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी वाला सुलझा हुआ व्यक्ति आने वाला है, और हो सकता है कि उसका नाम जो है वो ए से शुरू हो, ऐसा मुझे डाउनलोड हो रहा है मैसेज। दूसरा कार्ड है डेथ का, तो इस पर्सन के आने के बाद, जो कि ये आपकी लव लाइफ में आ रहा है, इसके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और आप अभी तक जैसे थे आप वैसे नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लोगों को समझने का नज़रिया बदल जाएगा, आप एक वाइज पीपल बन के सामने आएंगे। थैंक यू डिवाइन। एक कार्ड और चाहिए मुझे विरगो की लव लाइफ के लिए। प्लीज़ बताएं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं विरगो की लव लाइफ में। थैंक यू, प्लीज़ बताएं। और ये जो भी पर्सन आ रहा है, ये आप पर बहुत अधिक फोकस करने वाला है। हो सकता है कि अभी तक पास्ट में आपको ऐसे लोग मिले हों जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करना चाहते हों, आपको यूज करना चाहते हों, बट ये पर्सन बहुत केयरिंग है, नर्चर है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अच्छाइयों पर फोकस करेगा और आपकी खूबियों पर फोकस करेगा। तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन आने वाला है आपके लिए, और आई होप कि ये रीडिंग आप सबको पसंद आई हो। पसंद आई हो डियर फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।